हेलो एवरीवन, मैं हूं सुनंदा दियान। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब लोग कैसे हो? मैं आशा करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्या आप अपनी ख्याल रख रहे हो? आपके खुद के लिए कुछ ना कुछ रेमेडी बना रहे हो, या फिर मतलब आप चाहे वो स्किन के लिए हो, चाहे वो हेयर के लिए हो, क्या वो आप बना रहे हो, क्या वो आप यूज़ कर रहे हो? अगर हाँ है तो बस ठीक है, ये एक अच्छी, खुद को हमेशा पैम्पर करनी चाहिए। तो जो लोग अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ और मैं चाहूँगी आगे भी आप अपने ऊपर ध्यान दीजिएगा। आज की वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है, आज की वीडियो है स्पेशली उन मॉम के लिए है, मम्मा के लिए है, जो अपने खुद के केयर तो करती है, अब बस चाहती है अपने बेटियों के, अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा केयर करने के लिए। देखो, अगर आप ढूंढोगे यूट्यूब में या फिर और भी कहीं पर, अगर आप ढूंढोगे सोशल साइट में अपने ऊपर, मतलब खुद के लिए अगर आप कुछ ढूंढोगे रेमेडीज हो, चाहे वो बालों के लिए हो, चाहे वो स्किन के लिए हो, तो आपको ढेर सारा ऑप्शन मिलेगा। अगर आप ढूंढ रहे हो बच्चों के लिए, तो अगर मतलब बहुत कम ऐसे रेमेडी मिलेगा जो आप ऐसे आंख बंद करके ऐसे बच्चों के ऊपर भी यूज कर सकते हो। तो इसीलिए आज के वीडियो में बच्चों को डेडिकेट करना चाहती हूँ, उन मॉम को डेडिकेट करना चाहती हूँ जो अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो पहले मैं बता दूं, मेरे एक बेटी है, 4 साल, 4.5 साल की है मेरी एक बेटी। उसके ऊपर ज्यादा, देखो एक तो पहली बात यह है, बच्चों के ऊपर ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की किसी को जरूरत नहीं पड़ती है। वो बच्चे है, उसके ऊपर ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना भी मतलब करना हानिकारक है, गलत है, क्योंकि चाहे वो उसकी स्किन हो, चाहे वो उसके हेयर हो, वो बहुत अभी मतलब बन रहा है, तो उसके ऊपर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं भी मेरे बेटी के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ, हाँ फिर भी करती हूँ, थोड़ा थोड़ा ऐसे रेमेडीज है जो अभी अभी से मैंने स्टार्ट कर दिया मेरे बेटी के साथ यूज़ कर। आज मैं एक ऐसी रेमेडी शेयर करने आई हूँ आप लोगों के साथ, जो मैं मेरी बेटी के साथ यूज़ करती हूँ। एक उबटन फेस पैक बोल सकते हो, बॉडी स्क्रब बोल सकते हो, एक उबटन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो आप लोग आंख बंद करके आप अपने बच्चों के साथ यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने बोला है, बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव होता है और बच्चों की स्किन के ऊपर ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट करना भी नहीं चाहिए। पर आज मैं जो उबटन बनाने जा रही हूँ बच्चों के लिए, वो उसमें ऐसा भी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं डाला है जो आप बोलेंगे तो ये बच्चों के लिए हानिकारक है, ये मेरे बेटी के साथ बच्चों के साथ यूज़ नहीं कर सकती हूँ, ये एक बच्चे को देना मतलब अच्छी नहीं है। अगर एक भी आपको ऐसा इंग्रेडिएंट मिले तो आप बताना। तो ऐसी कुछ घरेलू इंग्रेडिएंट के साथ मैं एक उबटन बना रही हूँ जो आप अपने बच्चों को यूज़ करने में मतलब बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हो। ये पैक मैं मेरी बेटी को जब भी यूज़ करती हूँ, ये पैक तो मैं नहीं बोलूँगी, फुल बॉडी स्क्रब बॉडी ये करती हूँ जब भी मैं करती हूँ, मेरी बेटी तो बहुत ही इंजॉय करती है, और ये यूज़ करने के बाद मैं डेफिनेटली रिजल्ट मुझे मिला है। तो ज़्यादा तो नहीं, मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकती हूँ, यूज़ नहीं कर पाती हूँ, तो वो स्कूल जाती उतना मुझे टाइम नहीं मिलती, पर मैं डेफिनेटली चाहती हूँ हफ्ते में एक बार तो मैं ज़रूर ये उबटन में रेडी करने के बाद मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं वो उबटन हम लोग कैसे बनाएंगे। सो ये उबटन बनाने के लिए जो पहले मैं लेती हूँ वो है 2 चम्मच दही, ठीक है, 2 चम्मच दही, 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच आटे आटा, और 1 चम्मच छोटे 1 चम्मच बराबर हल्दी, 1 चम्मच कॉफ़ी, 1 चम्मच हनी, 1 चम्मच ऑलिव ऑयल, और उसके साथ 2 चम्मच कोकोनट ऑयल और 1 चम्मच चावल के आटे, ठीक है, मैं धीरे धीरे लेते जाऊंगी। तो बस इसको, इन सब को एक साथ मिक्स करना है, एक फाइन मिक्स बनानी है, एक फाइन पेस्ट बनानी है। तो बस उसके बाद ये पेस्ट अपने बेबीज़ के ऊपर अप्लाई कीजिए। इसके अंदर जो जो भी है इंग्रेडिएंट, वो सारी की सारी आप भी देख सकते हो, आप जान सकते हो, सारी की सारी सभी स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, स्पेशली बेबीज़ के लिए भी अच्छे होते हैं। तो बस, तो उसके बाद अपने बेबीज़ के ऊपर लगाइए, स्किन के ऊपर लगाइए। तो मैं, जैसे मैंने बोला है, मैं हफ्ते में एक बार तो डेफिनेटली इसको ट्राई करती हूँ, इसको लगाती हूँ। तो इसको बस इस पूरे बॉडी में ये लगाते टाइम आपको मसाज की तरह करनी है, धीरे धीरे जेंटली करनी है, बेबीज़ की स्किन है तो जेंटली मसाज करनी है, उसके बाद छोड़ना नहीं है, जेंटली मसाज करनी है, उतना सूखेगा भी नहीं, इसके अंदर जो जो भी है मतलब कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, हनी है, तो सूखेगा नहीं, बस उसके साथ जेंटली पूरे बॉडी पर मसाज करिए, उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए, देखना बेबीज़ भी हैप्पी हो जाएगी। मेरी बेटी तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है, तो बस ये करिए अपने बेबीज़ के ऊपर। ओके, बनाना तो बहुत इजी है, आपने देख लिया। तो अब इसको कैसे कैसे और किन बच्चों के ऊपर यूज़ करेंगी? देखो, तो ये यूज़ करने के लिए कोई उम्र नहीं है, आप 1 साल से भी कम उम्र के बच्चों को भी ये पैक यूज़ कर सकते हो, ये उबटन यूज़ कर सकते हो। और
और एक मैं तो जैसे मैंने बोला है मुझे टाइम नहीं मिलता है, इसीलिए मैं हफ्ते में एक दिन यूज़ करती हूँ। अगर आपको मिलता है टाइम तो आप हफ्ते में 2-3 दिन भी यूज़ कर सकते हो ये उबटन। तो ये उबटन यूज़ करने के बाद आपको डेफिनेटली कलर में भी चेंजेस आएगा, क्योंकि देखो बच्चे हैं धूप में खेलते हैं तो जो उनका जो ओरिजिनल कलर होता है वो दब जाता है। तो ये पैक अगर आप कंटिन्यू यूज़ करते हैं तो अब बच्चों के जो ओरिजिनल कलर है वो एकदम लौट के आता है, वो एकदम बहुत ज़्यादा निखरते हैं कलर। तो बस इसीलिए बच्चे और भी क्यूट हो जाती है और भी सुंदर लगती है। बड़ों के साथ भी अगर आप कुछ फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो उसका पैच टेस्ट करना ज़रूरी है। पहले ये लगा के थोड़ा सा लगा के दिखाना बहुत ज़रूरी है कि आपको कोई एलर्जी नहीं है या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। तो बच्चों के साथ यूज़ करने के लिए तो और भी तो मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा ज़्यादा। तो इसलिए आपको डेफिनेटली पैच टेस्ट करनी है या फिर थोड़ा थोड़ा करके लगानी है, ताकि बच्चों को अगर कुछ प्रॉब्लम भी हो आपको जल्दी जल्दी पता चले और आप ये यूज़ करना छोड़ दें। छोटी मोटी चीज़ें जो आपको बच्चों जो आपको ये उबटन लगाने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, और कुछ भी हो ताकि बच्चों के आँख में ना जाए। और बहुत आप छोटे बच्चों के साथ ये यूज़ करते हो ताकि मतलब वो हाथ में ऐसे लगा के ऐसे ऐसे बच्चे करते हैं ताकि ये सब ना करे। थोड़ा छोटा छोटा ये सब बातों को ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों के साथ यूज़ करने के लिए। तो बस और कुछ नहीं, ये पैक बनाइए, ये उबटन बनाइए। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बच्चे यूज़ कर सकते हैं, ये आप और हम भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस ये यूज़ करिए और घर में सभी यूज़ करिए, और बच्चों को तो डेफिनेटली यूज़ कराना है। तो अगर आप चाहते हो तो बच्चों को सोप से दूर रखेंगे तो भी आप रख सकते हो। मैं भी मेरे बच्चों को उतना सोप से नहीं नहलाती हूँ, तो ज़्यादातर मैं यही करती हूँ घरेलू थिंग्स जाके, ताकि मतलब सोप के अंदर देखो कुछ ना कुछ तो केमिकल रहता ही है, तो इसीलिए मैं थोड़ा इनसे दूर रहती हूँ और ये सब ज़्यादा करती हूँ। तो आप चाहे तो सोप का भी यूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। करूँगी ये उबटन आप घर पर बनाएंगे और बच्चों के साथ यूज़ करेंगे। तो बस ठीक है, आज का वीडियो इतना ही। अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। और एक बात, मैं आप मुझे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और बस सुनंदा92डी मेरा आईडी है इंस्टाग्राम में, तो बस फॉलो करना। तो ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।